क्या है दोस्तों वेलकम टू लर्निंग लैड इन हिंदी यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट एंगल हॉलो ट्राइंगल का पैटर्न बना सकते हैं यहाँ पे मैंने इस पैटर्न को रो और कॉलम के हिसाब से डिवाइड किया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह पहला रो है दूसरा रो है तीसरा चौथा और पाँचवा रो है और उसी तरह पहला कॉलम है दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कॉलम है तो जब हम लोग इस पैटर्न को रो और कॉलम के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिस कर सकते हैं वो है कि इस पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ़ रोस इज इक्वल टू तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है पांच रो के लिए तो इस पैटर्न के अंदर पांच रो और पांच कॉलम्स है यहाँ पे हम लोग हर एक रो में हर एक कॉलम के लिए स्टार डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर स्पेस को डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप लोग दूसरी रो देखेंगे तो हमने डिस्प्ले किया है दो स्टार उसके बाद बाकी के जो कॉलम्स है वहाँ पे हम लोग स्पेस डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे भी हम लोग वही काम कर रहे हैं तो हर एक रो में कुछ कॉलम्स के अंदर हम लोग स्टार या फिर जो भी हमें डिस्प्ले करना है उसे डिस्प्ले कर रहे हैं उनके अलावा बाकी जो कॉलम्स है वहाँ पे हम लोग स्पेस डिस्प्ले कर रहे हैं तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस पैटर्न को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लॉजिक बना सकते हैं तो हम जब इस पैटर्न को डिस्प्ले करने जाएंगे हमारे प्रोग्राम में तो हम लोग रो बाय रो वैल्यूज डिस्प्ले करते जाएंगे और जब हमारा प्रोग्राम एंड होता है तब जो भी डिस्प्ले किया गया कंटेंट है वो कुछ इस तरह दिखेगा तो हम लोग पहले पहले रो में जाएंगे और वहाँ पर जो भी स्टार या जो भी कैरेक्टर है उन्हें डिस्प्ले करना है पहली रो के हर कॉलम के लिए उन्हें डिस्प्ले करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम लोग पहली कॉलम में एक स्टार डिस्प्ले करेंगे उसके बाद स्पेस डिस्प्ले करेंगे चार उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रो पे जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमें स्टार डिस्प्ले करना है वहाँ पे स्टार डिस्प्ले करेंगे बाकी जगह स्पेस डिस्प्ले करेंगे उसके बाद तीसरी रो पे जाएंगे वहाँ पे भी हम लोग जहाँ पे स्पेस या फिर स्टार डिस्प्ले करना है वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और उसी तरह हम लोग हमारे पैटर्न को रो बाय रो डिस्प्ले करते जाएंगे तो जब हमारा प्रोग्राम एंड होगा उस उस वक्त हमें ये पैटर्न दिखाई देगा तो अभी यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पैटर्न के लिए लॉजिक बना सकते हैं यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमें हर एक रो के पहली कॉलम में स्टार को डिस्प्ले करना है पहली रो के पहली कॉलम में स्टार है दूसरी रो के पहली कॉलम तीसरी रो के पहली कॉलम चौथी और फिफ्थी रो के पहली कॉलम में भी हमें स्टार डिस्प्ले करना है तो हमें स्टार डिस्प्ले करना है हर एक रो के पहली कॉलम में उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हमें लास्ट रो है वहाँ पे हर एक कॉलम में स्टार को डिस्प्ले करना है तो जब हम लोग ये दो कंडीशन राइट करेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ एल शेप में आ जाएगा उसके बाद हमें ये जो डायाग्नल है मिडल में जो लाइन है इसके लिए लॉजिक बनाना है यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो जब रो नंबर वन और कॉलम नंबर वन है तो हम लोग स्टार डिस्प्ले कर रहे हैं उसी तरह जब रो नंबर दो है और कॉलम नंबर दो है तो हम लोग स्टार डिस्प्ले कर रहे हैं उसी तरह जब रो नंबर थ्री कॉलम नंबर थ्री है तो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं रो नंबर फोर और कॉलम नंबर चार है तो डिस्प्ले कर रहे हैं उसी तरह रो नंबर पाँच और कॉलम नंबर पाँच है तो हम लोग स्टार डिस्प्ले कर रहे हैं तो जब रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर है उस वक्त भी हमें स्टार डिस्प्ले करना है तो जब हम लोग इन तीनों लॉजिक को कंबाइन करते हैं तो हम लोग इस पैटर्न को बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग स्टार डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग स्पेस को डिस्प्ले करेंगे और वो स्पेस हमें दिखाई नहीं देगा ठीक है तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके लिए प्रोग्राम राइट कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे पहले यूज़र से ये पूछेंगे कि कितनी रो के लिए इस पैटर्न को बनाना है तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन को और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट या फिर मैसेज लिखूँगा एंटर द नंबर ऑफ रोज इस मैसेज को देख के यूज़र वैल्यू एंटर करेगा और उस वैल्यू को इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग फॉर्म में तो हमें नंबर इंटीज फॉर्म में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीज फॉर्म में और बाद में हम लोग इस नंबर को स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर और उसे मैं नाम दूंगा टोटल रोज़ ठीक है हमें पता है कि इस पैटर्न में नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स अभी हमें क्या करना है यूज़र ने जितने नंबर ऑफ़ रोज़ बोला है उतने नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए उतनी कॉलम्स को बना के वहाँ पर स्टार या फिर स्पेस को कुछ लॉजिक के हिसाब से डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप को यूज़ करूँगा ये फॉर लूप हर एक रो के लिए होगा तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को नाम दूँगा रो नंबर फॉर रो नंबर इन रेंज और ये रेंज शुरू होता है वन से और ये रेंज एंड होता है टोटल रोज़ प्लस वन पे वो इसलिए क्योंकि रेंज फंक्शन के साथ ये एंड वाली जो है वो एक्सक्लूसिव है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है हम यहाँ पे वन कमा फाइव स्पेसिफाई करते हैं रेंज फंक्शन के लिए तो ये देता है वन टू थ्री फोर पर हमें यहाँ पे अगर यूज़र पाँच बोलता है तो पाँच रोज चाहिए तो हम लोग यहाँ पे प्लस वन कर रहे हैं इस रेंज फंक्शन के जो वर्किंग है उसे हमें जैसे चाहिए वैसे बदलने के लिए और उसके बाद हमें क्या करना है हर एक रो के लिए हर एक कॉलम को बना के वहाँ पर डिस्प्ले करना है हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स है तो उसके लिए मैं एक और फॉर लूप को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं वेरिएबल को नाम दूंगा कॉल नंबर फॉर कॉलम नंबर और ये भी एक रेंज के अंदर हो जाएगा और यहाँ पे ये रेंज शुरू होता है वन से और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स मतलब है कि जितने रोज है उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे टोटल रोज प्लस वन यहाँ पे मैंने टोटल स्पेलिंग मिस्टेक किया तो मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर देता हूँ पहले अभी अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एक स्टार को और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एंड इक्वल टू स्पेस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक रो के हर एक कॉलम के लिए स्टार को डिस्प्ले कर रहा हूँ और उसे डिस्प्ले करने के बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक स्पेस को इंक्लूड करो नेक्स्ट स्टार को प्रिंट करने से पहले ताकि हमारा आउटपुट जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे ठीक है तो उसके बाद हमें क्या करना है हर एक रो में जितने अभी कॉलम्स आएंगे उनके लिए वैल्यूज डिस्प्ले करने के बाद नेक्स्ट रो डिस्प्ले करने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन को इंसर्ट करूँगा इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करके ठीक है तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू फाइव तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पाँच रो के लिए यहाँ पे पैटर्न डिस्प्ले हो रहा है पर यहाँ पे हर एक रो के हर एक कॉलम में स्टार को डिस्प्ले किया जा रहा है ठीक है अभी हमें यहाँ पर क्या करना है हर एक रो में कुछ लॉजिक को अप्लाई करना है और उस लॉजिक के हिसाब से उस उस रो में जहाँ जहाँ पे स्टार डिस्प्ले करना है वहाँ पे स्टार डिस्प्ले करना है और जहाँ जहाँ पे स्पेस डिस्प्ले करना है वहाँ पे स्पेस डिस्प्ले करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना है हर एक रो में पहली कॉलम में स्टार को डिस्प्ले करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे तो कंडीशन को यूज़ करने के लिए हम लोग इफ़ल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे इफ़ और यहाँ पे पहला कंडीशन ये हो जाएगा कि जब कॉलम नंबर इज इक्वल टू वन है तो हमें डिस्प्ले करना है स्टार को और उसके बाद अगर कॉलम नंबर वन नहीं है तो हम लोग डिस्प्ले करेंगे सिर्फ़ एक स्पेस को ठीक है तो यहाँ पे मैं एल्स को यूज़ करके प्रिंट करता हूँ स्पेस को और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एंड इक्वल टू स्पेस ठीक है जो भी हमें डिस्प्ले करना है उसे डिस्प्ले करने के बाद एक स्पेस डालेंगे ताकि हमारा आउटपुट जो है वो थोड़ा अच्छा सा दिखे तो यहाँ पे हम लोग क्या करें हर एक रो के पहली कॉलम में स्टार को डिस्प्ले कर रहे हैं अगर मैं इसको रन करता हूँ और इस पर एंटर करता हूँ पाँच तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी हर एक रो के पहली कॉलम में अभी स्टार डिस्प्ले हो रहा है इसके बाद अगर आप लोग इस पैटर्न को देखेंगे तो हमें लास्ट रो में हर एक कॉलम में स्टार को डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन को ऐड करेंगे और रो नंबर इज इक्वल टू टोटल टो रोस यहाँ पे हम लोग रो नंबर इक्वल टू टोटल टो टो रोस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है लास्ट रो में हर एक कॉलम में स्टार को डिस्प्ले करना है ये लास्ट रो का वैल्यू जो है वो हमें मिलता है टोटल रोज वेरिएबल में अगर यूज़र कहता है कि मुझे इस पैटर्न में पाँच रोज चाहिए तो लास्ट रो जो है उसका रो नंबर पाँच हो जाएगा तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे तो टोटल टो टो रोस वेरिएबल से मिलता है तो हम लोग यहाँ पे चेक करें कि अगर ये लास्ट रो है तो मुझे स्टार को डिस्प्ले करना है अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव करके इसे रन करता हूँ इंटर द नंबर ऑफ रोज मैं एंटर करूँगा पाँच तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह हमारा पैटर्न दिख रहा है यल शेप में आया है तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे जो डायगनल लाइन है मिडल लाइन है इसके लिए हमें लॉजिक बनाना है और हमें लॉजिक भी पता है वह है कि जब रो नंबर इक्वल टू कॉलम नंबर हमें स्टार डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पे उस कंडीशन को भी ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर कॉलम नंबर हमें मिलता है कॉल नम वेरेबल से यहाँ पे अगर आप एक बिगिनर है तो याद रखिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं डबल इक्वल टू साइन को ये कंपैरिजन ऑपरेटर है ये चेक करता है कि दो वैल्यू सेम है या नहीं ठीक है अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव करके अगर इसे रन करता हूँ और इस बार एंटर करता हूँ पाँच रोज़ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैटर्न अभी डिस्प्ले हो रहा है हम लोग यहाँ पर इस स्टार के जगह कुछ और भी डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग चाहते हैं तो रो नंबर को भी डिस्प्ले कर सकते हैं अगर मैं इसको रन करता हूँ और इस पर एंटर करता हूँ पाँच तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे कॉलम नंबर डिस्प्ले करते हैं तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा और इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे इस स्पेस के अलावा आ, रो नंबर को डिस्प्ले करते हैं तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा ठीक है हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं तो अभी मैं आपको एक और मॉडिफ़िकेशन दिखाना चाहता हूँ वह है यहाँ पे हमारा पैटर्न कुछ इस तरह बन रहा है अगर हम लोग इसको उल्टा बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं? हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है वह कि यहाँ पे ये यह जो डायगनल लाइन है यहाँ पे ये यह जो मिडल में लाइन है इसके लिए सेम लॉजिक रहेगा पर हमें क्या करना है पहली रो में हर एक कॉलम में स्टार को डिस्प्ले करना है और हर एक रो के लास्ट कॉलम में हमें स्टार को डिस्प्ले करना है वह कि हमें इस पैटर्न को बदल के कुछ इस तरह करना है ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा हमें क्या करना है हमें हर एक रो के लास्ट कॉलम में स्टार को डिस्प्ले करना है तो लास्ट कॉलम चेक करने के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं अगर कॉलम नंबर इक्वल टू टोटल रोज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू है तो हमें क्या करना है स्टार को डिस्प्ले करना है हर एक रो के लास्ट कॉलम में हम लोग यहाँ पे स्टार को डिस्प्ले कर रहे हैं उसके बाद क्या करना है पहली रो के हर कॉलम में स्टार को डिस्प्ले करना है तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे रो नंबर इक्वल टू वन अभी अगर मैं इस मॉडिफिकेशन करके प्रोग्राम को रन करता हूँ और एंटर करता हूँ पाँच तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है यहाँ पे कॉलम नंबर के बजाय मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा स्टार को और यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंटर करता हूँ दस रो के लिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पैटर्न अभी आ, रिवर्स हो गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग बहुत सारे पैटर्न को बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगा